अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि सर हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं है, हमारे पास कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, तो क्या हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स के साथ सेल कर सकते हैं? कोई ऐसी लिस्टिंग जेनेरिक प्रोडक्ट में भी बिना ब्रांड की जो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या हमारे ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों आज इस टॉपिक में आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आपको सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं कि आपको जेनेरिक प्रोडक्ट से सेल करना है, या आपको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट से सेल करना है, या आप किसी और के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की ऑथराइजेशन लेटर लेके सेल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु शर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट ऐसे ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों जेनेरिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ये वो प्रोडक्ट हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता है। आप मार्केट में गए, आपने मार्केट से कोई अच्छा सा प्रोडक्ट देखा, किसी होलसेलर के पास गए, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, आपने एक प्रोडक्ट देखा जिसका कोई ब्रांड नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो चालू प्रोडक्ट लोकल प्रोडक्ट है, राइट? अब उसको आप लेके आए, उसकी आपने फोटोग्राफी कराई और उस प्रोडक्ट को आपने अमेज़न पे लिस्ट कर दिया एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट। आप एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट आराम से लिस्ट कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, अनटिल अनलेस वो प्रोडक्ट किसी को हार्म नहीं करता हो, कोई ऐसी बैटरी या जो ऐसे प्रोडक्ट जो नुकसान कर सकते हैं या फिर जो पॉलिसी के अगेंस्ट है। एक पूरी लिस्ट होती है कुछ, वो वहीं पे आपको डिसअलाउ कर देगा, वो मना कर देगा अमेज़न, अगर वो प्रोडक्ट उसकी पॉलिसी में, उसकी पॉलिसी को वॉयलेट करता होगा, राइट? तो आप वो प्रोडक्ट ला के लिस्ट करेंगे, अब क्या होगा मैं आपको सिनेरियो समझाता हूँ। क्या होता है, जब आप उसको लिस्ट करते हैं तो आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत सस्ता भी होता है, राइट? आप महंगा प्रोडक्ट तो लाएंगे नहीं मार्केट से, कोई म्यूजिक सिस्टम तो जेनरिक लाएंगे नहीं जिसको लिस्ट करेंगे जिसकी प्राइस 5,000 होगी। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो करिएगा भी मत, सस्ते प्रोडक्ट लाएं, जेनरिक प्रोडक्ट को लाके लिस्ट करें, बिजनेस करना सीखें। आप बिजनेस करना सीख सकते हैं अगर आपके पास प्राइवेट लेबल ब्रांड नहीं है। प्राइवेट लेबल यानी कि आपका खुद का ब्रांड, और आपके खुद के ब्रांड के लिए आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट करवाना होता है, और ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट बनने में टाइम लग जाता है काफ़ी सारा। इसके लिए आप अमेज़न के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर, मीशो के ऊपर जेनरिक प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जेनरिक प्रोडक्ट को आप लॉन्ग टर्म लेके नहीं चलेंगे। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट को कोई भी लिस्ट कर सकता है। लेट्स से आपने जो प्रोडक्ट मार्केट से लाया, दूसरा कोई बंदा गया मार्केट के अंदर, उसने भी वो प्रोडक्ट लाया। अब जब वो प्रोडक्ट सर्च करेगा तो अमेज़न का सिस्टम ऑटोमेटिकली बता देगा कि दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अमेज़न, तो आपको वो उसमें मैप करा देगा। तो अब एक प्रोडक्ट को बेचने वाले दो जने होंगे, उस प्रोडक्ट के टाइटल को, उस प्रोडक्ट के इमेजेस को, उस प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स को, उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को, सबको वो बंदा चेंज कर सकता है, राइट? क्योंकि ये आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड नहीं है। अगर मैं देसी भाषा में बोलूँ, ये आपकी बापोती नहीं है, राइट? इसको वो आराम से चेंज कर सकता है। फिर आप कमेंट करते हैं कि सर मैंने एक प्रोडक्ट लिस्ट किया था जिसको किसी और ने चेंज कर दिया, जिसके टाइटल किसी और ने चेंज कर दिया, जिसकी इमेजेस किसी और ने चेंज कर दी। ये प्रॉब्लम्स हो जाती है जेनरिक प्रोडक्ट्स के अंदर। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है जेनरिक प्रोडक्ट के अंदर, वो ये आती है फ्यूचर में कि आप उसको ब्रांड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेट्स से आपने प्रोडक्ट जेनरिक लिस्ट कर दिया, उसकी अच्छी सेल आ रही है, वो अच्छी एक रेपुटेशन पे आ गया है, उस पर अच्छे रिव्यूज़ आ गए, लेकिन बाद में आप सोच रहे हैं कि मैं प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाऊंगा, जब मेरा ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट आ जाएगा तो मैं इसको अपने अंदर ले लूँगा। आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, उस पर आप ब्रांड का नेम ऐड नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट एक बार जेनरिक से लिस्ट हुआ है तो वो हमेशा जेनरिक से ही लिस्टेड रहेगा। और यही कारण है कि हम हमेशा बोलते आए हैं, जितने भी हमने क्रिएटर्स हैं, चाहे मैं हो गया, चाहे अर्जुन भाई हो गया, जो भी हैं, सब ये कहते हैं कि फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, राइट? तो जेनरिक प्रोडक्ट्स थोड़े थोड़े लाएं, बेचा, ख़त्म किया, नया लाया, बेचा, ख़त्म किया, साइड में आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना खुद का एक प्राइवेट लेबल ब्रांड के लिए, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं। दूसरी चीज़ आती है किसी और के प्रोडक्ट को सेल करना, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड मैथड। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सेलर है, कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो ऑनलाइन आना चाहता है लेकिन उसको नहीं आता, उसके पास टाइम नहीं है, वो मैनेज नहीं कर सकता, वो चाहता है कि उसको कोई ऐसा बंदा मिले जो उसके प्रोडक्ट को सेल करे, राइट? तो आप उसके पास जाएं, उसको बोले कि भाई तू अगर 100 रुपये की चीज़ बनाता है तो उसमें 20 रुपये तेरा कमीशन ऐड कर ले, मैं उसको 150 में बेच दूंगा। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, आप वो 20 रुपये कमा लेगा, वो तो मैन्युफैक्चरर है, आप 30 रुपये 40 रुपये कमा लेना। एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, अब ये मत कहना कि सर 20 रुपये में कोई बेनिफिट नहीं होता है, कितना रिटर्न आता है, कितना डैमेज होता है, ये होता है, वो होता है, मुझे मालूम है आप सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मैं जो न्यू सेलर्स हैं उनको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपको उस ब्रांड से ऑथराइजेशन लेटर लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ है, देखो
अगर वो सेलर आपको अलाउ कर देता है, सुनिएगा, और उस सेलर का ब्रांड ट्रेडमार्क्ड है, उसका भी ब्रांड ट्रेडमार्क होना चाहिए। अगर आप सपोज करो फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री में गए आप लोकल मार्केट की, और वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, तो दैट प्रोडक्ट विल ट्रीट एज अ जेनेरिक प्रोडक्ट। अगर वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट, वो फैक्ट्री ने अपना ट्रेडमार्क ले रखा है, तो उसका ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट से पहले आप ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे, और उसके बाद उस ब्रांड से एक ऑथराइजेशन लेटर लेंगे, और वो ऑथराइजेशन लेटर आप अमेज़न की टीम को देंगे। देखिए, आप ब्रांड के ओनर नहीं है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये वन टाइम एक्सरसाइज है, ये आपको एक बार करना है, बार बार नहीं करना है। फिर जैसे ही आपने वो ऑथराइजेशन लेटर लाया, ऑथराइजेशन लेटर दिया, अमेज़न आपको अलाउ कर देगा, आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करके बेचना शुरू कर दीजिए। फैक्ट्री वाले को बोलिए कि यार तू बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बना, मैं लिस्ट कर रहा हूँ, उसे बेच रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर उसमें अगर कोई रिटर्न्स आते हैं, जो भी उस ब्रांड को आपको उसके स्पॉन्सर्ड एड्स रन करने हैं, आपको उसकी लिस्टिंग को, देखिए अगर सैमसंग हो गया या फिर ओप्पो वीवो, इनको काफ़ी सारे, इनके मोबाइल फ़ोन को काफ़ी सारे सेलर सेल कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं, उन्होंने ऑथराइजेशन लेटर ले रखा है इनके डिस्ट्रीब्यूटर से, इनके जो भी डीलर्स हैं, जो ऑथराइज डीलर्स हैं, उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेके उनको उन्होंने दिया, फिर वो प्रोडक्ट मोबाइल उनसे खरीदे और इनको बेचना चालू किया। अब ऑर्डर आएगा तो उसको आपके पास स्टॉक भी तो होना चाहिए, तो इस तरीके से ये ब्रांड ऑथराइजेशन वाला काम चलता है, राइट? आपने जेनरिक प्रोडक्ट से शुरू किया, आपने ब्रांड ऑथराइजेशन शुरू किया, और बैक एंड में आपका प्राइवेट लेबल ब्रांड भी तैयार हो गया। अब उस ट्रेडमार्क को आप अपने लेबल से सेल करना चालू करेंगे, उस प्रोडक्ट्स को जो है वो अपने लेबल से सेल करना शुरू करेंगे, और मैन्युफैक्चरर जिससे आपने फैक्ट्री से जो माल लाया था उसको बोलेंगे, चल भाई अब एक काम कर, मैं तेरे से बल्क में खरीदता हूँ, तू मेरा लेबल लगा, ठीक है, मेरा प्राइवेट लेबल ब्रांड है, उसका लेबल लगा, आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करेंगे और अपने नाम से उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और अपने नाम से उस प्रोडक्ट को ग्रो करेंगे, और अपना एक प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाएंगे, राइट? प्राइवेट लेबल ब्रांड बनाने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, आपको एनालिटिक्स मिल जाएगा, आपको A+ कंटेंट मिल जाएगा, आपको ब्रांड अपने जो है स्पॉन्सर एड्स और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को शोकेस करने के अलग अलग मेथड्स मिल जाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी अगर आप अपने ब्रांड से प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो अमेज़ोन पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे भी आपको फ़ायदा मिलेगा, आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं और उस पर भी आप लिख सकते हैं वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट। इससे आपके ब्रांड की बहुत बड़ी रेपुटेशन बिल्ड होगी और आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बहुत ग्रो कर पाएंगे। तो जेनरिक प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट लेबल, ये तीनों ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में। जेनरिक से शुरू कर सकते हैं, ऑथराइजेशन लेटर लेके बिजनेस को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, और प्राइवेट लेबल के साथ आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब आप अगर ये सीखना चाहते हैं कि अब हमें प्रोडक्ट कौन सा सेल करना है, सर कोई ऐसा वीडियो हो आपका जिसमें आप बता सकें कि भाई कौन से प्रोडक्ट पर कितनी सेल आती है, तो फ्री में हमने प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड बहुत अच्छा कोर्स लाया है, लिंक मैं साइड में दे रहा हूँ, इसे पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।